हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अर चैनल बैंगॉन थ्योरी तो फ्रेंड्स टी सी एस के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं और टी सी की तरफ से बहुत मेजर अपडेट किए गए हैं इसलिए पूरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा इस वीडियो में पूरे बात करने वाले हैं सिलेबस भी चेंज कर दिया गया है और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है सिलेक्शन प्रोसेस है वो भी चेंज कर दिया गया है तो पूरी वीडियो में पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं वीडियो को स्किप मत कीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है साथ के साथ पूरा बताऊँगा कि किस तरीके से रजिस्ट्रेशन आप किस तरीके से करेंगे तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं तो डेट के बारे में बात करें तो रजिस्ट्रेशन जो है वो टेस्ट की जो डेट है वो ट्वेंटी ट्वेंटी फोर्थ ट्वेंटी फिफ्थ और ट्वेंटी सिक्स ये अक्टूबर ये तीन दिन जो है टेस्ट के रखे गए हैं और रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है वो सेवनटीन अक्टूबर है आप आराम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं ठीक है और सैंपल टेस्ट के लिए मॉक टेस्ट भी होगा तो उसकी डेट जो है वो तीस सेप्टेम्बर से अवेलेबल करा दिया जाएगा बाकी रजिस्ट्रेशन की गाइडलाइंस के बारे में भी बात करेंगे लेकिन जो मेन चेंजेस है उसके बारे में बात करते हैं ठीक है टीसीएस एनक्यूटी के बारे में आपको पता ही होगा नेशनल क्वालिफाइड टेस्ट है जिसके बेसिस पे आप निंजा प्रोफाइल या डिजिटल प्रोफाइल के लिए आप आ, अपना सिलेक्शन करवा सकते हैं अगर आपका स्कोर एक एवरेज uh, स्कोर है तो आपको निंजा प्रोफाइल थ्री पॉइंट पर एन के पैकेज से आपका सिलेक्शन हो जाएगा और अगर आपका स्कोर हाइएस्ट जाता है तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे अगर आपका स्कोर हाइएस्ट जाता है तो आपका डिजिटल के लिए भी सिलेक्शन हो सकता है और उसके लिए फिर अलग से एक टेस्ट होता होता है 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 फिर आपका इंटरव्यू प्रोसेस प्रोसेस वो एक अलग है जिसका पर का पैकेज होता है। उसके बारे में बाद में एक अलग से वीडियो बना लेंगे लेकिन अभी एनक्यूटी के बारे में बात कर रहे हैं तो सबसे पहले बात करते हैं टेस्ट के बारे में ठीक है तो टेस्ट सेंटर का जो सबसे बड़ा राउट था कि वर्चुअल होगा या सेंटर पर होगा तो दोनों ही ऑप्शन दे रखे हैं आप जब फॉर्म भरेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आप होम पे देना चाह रहे हैं या आप सेंटर पे देना चाह रहे हैं तो आप दोनों में से ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं घर पे देना है या सेंटर पे देना है ठीक है और वैलिडिटी की बात करें तो एनक्यूटी का जो स्कोर होगा वो आपका टू इयर्स तक के लिए वैलिड होगा यानी कि आप स्कोर के आप उस स्कोर को दो साल तक यूज कर सकते हैं और एनक्यूटी की तरफ से टीसीएस आई की तरफ से बहुत बड़ा चेंज करा गया है कि ये सिर्फ टीसीएस में ही प्लेसमेंट के लिए स्कोर काम नहीं आएगा टीसीएस आई के जिस भी अलग अलग कंपनी से टाइप है उसके लिए भी आपका ये स्कोर काम आएगा जैसे एम गेट ई लिटमस टेस्ट होते हैं सेम इसी तरीके से आई के जितने अलग अलग कंपनियों से टेस्ट हैं अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, गया है, उसमें ये है कि थर्ड के भी इसको, आ, इस टेस्ट के लिए कर सकते हैं, हैं। यह सबसे बड़ा चेंज है प्री फाइनल और सकते हैं यूजी पीजी और डिप्लोमा स्टूडेंट्स डिप्लोमा स्टूडेंट्स भी पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स भी और यूजी भी जो प्री फाइनल ईयर या फाइनल ईयर में यानी कि थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं

प्रोग्रामिंग कोडिंग सेक्शन हटा दिया गया है सबसे मेजर चेंज है कोडिंग सेक्शन आपका हटा दिया गया है तो आपको टेस्ट में ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं जो है जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं जो किसी और ब्रांच से हैं एम ई डबल डबल ई सी जिनका कोडिंग से कोई लेना देना नहीं है तो उसको ये डाउट रहता था कि और ये काफी प्रॉब्लम होती थी कि हमें कोडिंग के बेस पर हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता है इसमें कोडिंग नहीं है बस वर्बल है रीजनिंग है और न्यूमेरिकल एबिलिटी है ठीक है वर्बल के ट्वेंटी फोर क्वेश्चन आएंगे तीस मिनट का टाइम मिलेगा रीजनिंग के थर्टी क्वेश्चन आएंगे फिफ्टी मिनट का टाइम मिलेगा और न्यूमेरिकल एबिलिटी के ट्वेंटी सिक्स क्वेश्चन आएंगे फोर्टी मिनट का टाइम मिलेगा यानी कि टोटल एट्टी क्वेश्चन है वन ट्वेंटी मिनट का आपको टाइम मिलेगा नेगेटिव मार्किंग वगैरह कुछ नहीं होती है इसमें ठीक है आगे हम इसके ऊपर और भी वीडियो लेके आएंगे टिप्स वगैरह के कि ऊपर किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है फिलहाल मुझे बहुत मेजर डिटेल्स कवर करनी है तो मैं इस वीडियो में वो करना चाह रहा हूँ क्योंकि चेंजेस जो है वो काफी सारे हैं ठीक है मैंने आपको एलेबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बता दिया और सिलेबस आपका यह है ठीक है टोटल एटी क्वेश्चन है मिनट है ठीक है और प्री फाइनल या फाइनल ईयर दोनों अप्लाई कर सकते हैं अब बात करते हैं कि ये किस तरीके से जर्नी जो है वो किस तरीके से चलेगी आपकी जॉब तक की सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना जो मैं भी आपको बताऊंगा फिर आपसे जो टेस्ट मोड है वो पूछा जाएगा घर पे देना है या सेंटर पे देना है वो आपके ऊपर है आप सेलेक्ट करेंगे फिर आपका टेस्ट होगा टेस्ट म, टेस्ट के बेस पे आपका एक बेंच स्कोर डिसाइड किया जाएगा जिसकी वैलिडिटी जो होगी वो दो साल तक की होगी उसके बेस पे आपको प्रोफाइल जो है वो अलॉट की जाएगी कि आप निंजा प्रोफाइल मिलेगी डिजिटल प्रोफाइल मिलेगी या आप किसी और कंपनी में जॉब करना चाहते हैं मतलब तो है ही।, है 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 तो है ही साथ के साथ हाई स्कोर रहता है तो डिजिटल का भी आप सेवन लैख पर एनएम का भी पैकेज क्रैक कर सकते हैं साथ के साथ और दूसरा ये है कि दूसरी कंपनीज के लिए भी तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी और है। दूसरी है कि दोनों ऑप्शन है ये अच्छी बात है थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के बाद मल्टीपल्ट होगा वो थर्ड ईयर में भी दे सकते हैं और ट्वेंटी फोर ट्वेंटी आपको बता दिया जाएगा आपका कौन सा और एक मॉक टेस्ट होगा जिससे आपकी पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी एमसी क्यू है कोडिंग क्वेश्चन नहीं है अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन के बारे में तो के लिए आपको सबसे पहले ये वेबसाइट जो है मैं इसकी, मैंने इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है रजिस्ट्रेशन के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है तो आपका अगर आप एक्जिस्टिंग यूज़र हैं तो साइन इन कर लीजिएगा नहीं न्यू है तो आप रजिस्टर क्रिएट अकाउंट कर लीजिएगा इसके बाद क्रिएट अकाउंट करने के बाद ये सारी डिटेल्स हैं आप फिल कर देंगे ठीक है और ये ओके पे क्लिक करके आपको टी सी साइन के पोर्टल पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा अपना स्टेट सेलेक्ट कीजिए स्टेट सेलेक्ट करने के बाद जो अपनी पर्सनल डिटेल्स हैं सारी चीजें नाम वाम सब कुछ ई मेल आई डी वगैरह सब कुछ बहुत ध्यान से सिटी वगैरह अपनी सब कुछ यहाँ पे डाल दें फोन नंबर के साथ ठीक है पर्सनल डिटेल्स डालने के बाद अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है जहाँ तक आपने पढ़ाई कर रखी है अभी फिलहाल जो से भी ईयर में हैं आप जो भी सेमेस्टर के आपके रिजल्ट आ चुके हैं उसके बेस पे अपना स्कोर जो है यहाँ पे ठीक है यहाँ पे अपलोड कर दें और ग्रेजुएशन मंथ वगैरह सब कुछ यहाँ पे काफ़ी ध्यान से ये डिटेल्स डालिएगा अपडेट भी कर सकते हैं इसको डिटेल्स को अपडेट भी कर सकते हैं बाद में क्योंकि जो टाइम है वो अच्छा खासा टाइम इसमें दे रखा है आपका अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास सेवनटीन अक्टूबर तक का टाइम है रजिस्ट्रेशन क्लोज का तो आप डिटेल्स और अपडेशन जो है काफी आराम से कर सकते हैं एग्जामिनेशन की डिटेल्स देखिए दे आपसे पूछी गई है कि ऑनलाइन रिमोट प्रोक्टर्ड असेसमेंट आपको देना है यानी कि घर पे बैठ के आपका प्रोक्ट असेसमेंट होगा यानी कि वेब ऑन होगा या आपको सेंटर पर देना है ठीक है अपना सिटी के साथ सेंटर अपना आप सेलेक्ट कर सकते हैं ठीक है और सारी डिटेल्स यहाँ पे दे रखी है किस किस तरीके से क्या क्या रिक्वायरमेंट है वेब ऑन होगा ठीक है और मैं आपके और साथ के साथ अपना एक फोटोग्राफ भी आपको अपलोड करना है तो उसके भी रिजोल्यूशन वगैरह डिटेल जो है वो दे रखी है वो आप अपलोड कर देंगे फिर गाइडलाइंस दे रखी है कि किस किस तरीके से आपको क्या क्या चीजें यहाँ पे आ, करनी है और जैसे कि आप ये क्लिक ऑन द आई बटन पर क्लिक करके आप सब्जेक्ट अपना देख सकते हैं कि सब्जेक्ट क्या है ठीक है और जो है आ, ड्यूरेशन वगैरह सब कुछ दे रखा है कि वन आवर का ड्यूरेशन है टेस्ट का और डिस्क्लेमर वगैरह भी आप सब पढ़ सकते हैं ठीक है सिलेबस वगैरह भी सब मैंने आपको बताई दिया इस तरीके से आप पूरा करके ये फॉर्म जो है अपना पर्सनल डिटेल्स के साथ सारी डिटेल्स को वेरीफाई कर लीजिएगा सारी डिटेल्स के साथ ये आप फॉर्म फिल कर सकते हैं ठीक है मैंने आपको ये लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में पहले ही प्रोवाइड कर दी है तो ये अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो जल्दी से शेयर कीजिए और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए प्रिपरेशन के लिए अलग से वीडियो आएगी उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है ठीक है और टिप्स को लेकर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा ठीक है थैंक यू फ्रेंड्स सो थैंक्स फॉर वॉचिंग प्लीज सपोर्ट अवर चैनल ज्वाइन एंड अस